अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त बिया मानी, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिया स्मार्ट। और आज की वीडियो है जी सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हमें सल्फेट फ्री शैम्पू क्यों यूज़ करना चाहिए और किन बालों के लिए यूज़ करना चाहिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या था, मैं क्यों स्विच किया मैंने सल्फेट शैम्पू से टू सल्फेट फ्री शैम्पू, और मैं आजकल कौन सी सल्फेट फ्री प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, कौन से शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ फॉर हेयर फॉल के लिए, और इन सल्फेट फ्री शैम्पू के इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, और मेरे पास जो प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं इनका टेक्स्चर, इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी प्राइस क्या है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इन प्रोडक्ट्स के हवाले से जो आपको कैमरे में नजर आ रही है। सो डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट कीप वॉचिंग टिल द एंड, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेरे पास जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं ये है जी ट्रूली कोमल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शैम्पू है, ऑर्गेन ऑयल एंड हनी है, दिस इज पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री शैम्पू है जी। ये 400 ml की बॉटल है और ये फॉर मैन एंड वुमेन फॉर दोनों यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस 800 है और मैंने इसको डिस्काउंट पे लिया था 580 में, और ये इसके साथ मैंने लिया था जी ये ट्रूली कोमल का कंडीशनर है, ट्रूली कोमल रिपेयर एंड शाइन विद आमला एंड ऑर्गेन ऑयल है जी। ये भी सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, और ये भी मैन एंड वुमेन दोनों के लिए 400 ml की बॉटल है। इसकी प्राइस 800 थी और ये मैंने 600 में बाय किया था। इन दोनों के साथ मैंने एडिशनली मैंने इनकी प्रोडक्ट ली थी ट्रूली कोमल की, ये हेयर ऑयल ट्रीटमेंट है इनका, मैजिक ग्रो ऑयल ट्रीटमेंट है जी, और ये 100 ml की पैकेजिंग में है, और ये 1200 का था जबकि मैंने इसको डिस्काउंट पे 900 का बाय किया था। मैंने इन प्रोडक्ट्स को क्यों बाय किया और मैंने क्यों स्विच किया सल्फेट शैम्पू से, मैं सल्फेट फ्री शैम्पू की तरफ क्यों आई और मुझे इसके क्या रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स जो है वो मुझे मिले हैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल जो टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। आप बिल्कुल जो है ना मेरी टिप्स पे और मेरे रिव्यू पे आप लोग बिलीव कर सकते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जब ये प्रोडक्ट्स शुरू की थी, जब मैं इनको बाय किया था तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, बहुत बाल मेरे गिर रहे थे और बस मैं चाहती थी कि किसी तरीके से जो है ना वो बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएं। जब मैंने ये प्रोडक्ट ली थी तो मेरा हेयर फॉल इससे ज़्यादा था, ठीक है। फिर इन प्रोडक्ट्स को मैंने ऑलमोस्ट 1.5 month यूज़ किया है, फिर मेरा हेयर फॉल इतना हो गया था, ठीक है, फिर इतना हेयर फॉल हुआ, फिर मेरे अभी जो आजकल मेरा हेयर फॉल है वो इतना है, ठीक है, अभी मेरा इतना हेयर फॉल है आजकल, ठीक है, और पहले इतना था, फिर इतना हो गया, पहले इससे भी ज़्यादा हेयर फॉल था, लेकिन अभी आजकल मेरे इतने बाल अभी गिर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद भी। अच्छा, अभी मैं मुझे 1.5 महीना हो गया इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हुए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने क्यों स्विच किया सल्फेट शैम्पू से, मैं सल्फेट फ्री शैम्पू की तरफ क्यों आई। जितने भी हम प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सोप यूज़ करते हैं, फिनाइल हैं, डिश वॉशिंग बार हैं, इन सब में झाग बनाने के लिए सल्फेट यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जिस प्रोडक्ट का या जिस शैम्पू का जितना ज़्यादा झाग बनेगा वो उतना ही अच्छा है, हालांकि बिल्कुल ये गलत थॉट है। जिस प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा झाग होता है उसमें उतना ही ज़्यादा सल्फेट होता है, जो कि हमारे बालों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हार्मफुल है। तो सल्फेट शैम्पू होते हैं ये, चूंकि हमारे ऑयल में अगर हमारे ऑयल ग्रीसी हैं, डर्ट है, उसमें ऑयल को रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन सल्फेट शैम्पू जो है उनको यूज़ करने से हमारे जो बालों का नेचुरल मॉइस्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और बाल जो है वो बिल्कुल ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हो जाते हैं। फ्री शैम्पू होते हैं उसमें 3 प्रोडक्ट्स तो लाजमी ऐड होती हैं, उसमें आर्गन ऑयल होता है, ठीक है, उसमें सिट्रिक एसिड ऐड होता है जो कि हमारे बालों की अगर फ्रिजीनेस है, ड्राई है, डैमेज है तो उनको वो रिमूव करेगा, और ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है जी, और ये हमारे स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और हमारे स्कैल्प में अगर इचिंग है तो उससे भी रिलीफ करता है जी। इसमें ग्लिसरीन भी लाजमी होती है, जो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं उसमें ग्लिसरीन ऐड की होती है जो कि हमारे स्कैल्प में मॉइस्चर को रिटेन करते हैं और उनका नेचुरल मॉइस्चर होता है ना उसको लॉक कर देते हैं। फेट फ्री शैम्पू में ये तीन इंग्रेडिएंट जो लाजमी होते हैं ना, ये हमारे बालों की फ्रिजनेस, उनकी ड्राइनेस को कम करते हैं और हमारा जो नेचुरल मॉइस्चर होता है हमारे बालों में ये उसको लॉक करते हैं,
जबकि सल्फेट शैम्पू हमारा नेचुरल मॉइस्चर खत्म कर देते हैं, उससे बाल आपके ड्राई हो जाते हैं उड़े उड़े से। जब आपका नेचुरल मॉइस्चर स्कैल्प से खत्म हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आपके बालों में डैंड्रफ होता है, उससे हेयर फॉल होता है। जबकि ये जो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं ये आपके बालों में नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, आपका बालों में वॉल्यूम आ जाता है, आपके बाल बाउंस हो जाते हैं और शाइन भी आती है, ठीक है, और ये हेयर फॉल को रोकते हैं। ट्रूली कोमल जो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शैम्पू है ये ऑर्गन ऑयल एंड हनी के साथ है। मैंने ये प्रोडक्ट बहुत सर्च के बाद, बहुत रिव्यू के बाद मैंने ये प्रोडक्ट बाय की थी, क्योंकि मैं चाह रही थी अपना हेयर फॉल रोकना और अपने बालों की फ्रिजनेस को, उनका स्प्लिटनेस और डैमेज जो है ना उसको रिपेयर करना चाह रही थी। तो मैं चाहती थी कुछ नेचुरल, मतलब कुछ ऐसा हो जो मेरे बालों के लिए मतलब नेचुरल हो जाए और मेरे बाल जो है ना बस रिपेयर हो जाए उससे। जब मैंने इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मुझे वाकई ही बहुत अमेजिंग है ये, इसकी ट्रूली कोमल की ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले मुझे, मेरा हेयर फॉल वाकई ही कम हुआ है इससे। अच्छा, इसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं तो जो इंग्रेडिएंट्स में शामिल है, इसमें आमला ऑयल है, रीठा ऑयल है, ठीक है जी, रीठा है, सिकाकाई ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, इसमें कैस्टर ऑयल है, हनी है, सोडियम क्लोराइड है, ग्लिसरीन है जी, इसमें सिट्रिक एसिड है, ठीक है जी, और इथाइल डायमाइन है। सो इसमें थोड़ा सा उन्होंने कुकम्बर एसेंशियल ऑयल भी ऐड किया हुआ है, चूंकि इसमें जब आप इसको शैम्पू करते हैं, जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें आपको हल्की सी कुकम्बर की स्मेल आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि इसमें कुकम्बर का एसेंशियल ऑयल जो है वो जस्ट फ्रेगनेस के लिए ऐड किया हुआ है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और ये वाकई ही जो है ना वो मेड विद लव है ट्रूली कोमल। इसमें वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल हैं, जो ऑर्गेनिक हैं। सो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड शैम्पू है और इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, ठीक, डेली यूज के लिए भी ये शैम्पू यूज किया जा सकता है। ये बहुत रिजनेबल चीप प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू की तरफ आना चाहते हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की बजाय पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करें और ये इतनी चीप प्राइस पे फिर अवेलेबल है ट्रूली कोमल की। आप पैकेजिंग पे मर जाएं, वो पैकेजिंग पे इतना मनी इन्वेस्ट नहीं कर रही लेकिन वो प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है ताकि आपको जो है ना वो मिनिमम जो है वो पैसों में जो है ना अच्छी चीज, अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। सो मेरी तरफ से ट्रूली कोमल का ये लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शैम्पू तो हाईली रिकमेंडेड है। इसके साथ एडिशनली मैंने ट्रूली कोमल का ये कंडीशनर फिर लिया था, रिपेयर एंड शैम्पू, ये भी पैराबेन फ्री था, सल्फेट फ्री था, ठीक है जी, ये रिपेयर एंड शाइन है। इसमें उन्होंने कहा है जी इसमें ऑर्गन ऑयल है, आमला है, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है, इसमें जुबा ऑयल है और इसकी स्मेल जो है इसमें फ्रेगनेंस के लिए उन्होंने ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल ऐड किया हुआ है, ठीक है, वाटर है, सिट्रिक एसिड है। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसको आप अपने गीले वालों में थोड़ा सा जेंटली इसको अप्लाई कर सकते हैं, मसाज करें, देन आप इसको रिंस कर लें। इसको भी आप डेली यूज के लिए कर सकते हैं और ये मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट से मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू विद यू और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू में इसके बारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये जो मैंने इनका ऑयल लिया था ट्रूली कोमल का, ये बिल्कुल मैजिक ग्रो ऑयल ट्रीटमेंट है। ये 100 ml की बॉटल थी और इसमें उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है जी, इसमें उन्होंने ऐड किया था विद ऑल द गुडनेस ऑफ स्वीट ऑलमंड ऑयल है इसमें, और इसमें लिवेंडर ऑयल है, विटामिन ई है, कोकोनट ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, ठीक है जी, ग्रेपसीड ऑयल है और एप्रिकॉट कर्नल है। अच्छा, इसमें ये जो बॉटल है 100 ml की है और इसके ऊपर ये इस तरह एक स्टॉपर सा लगा हुआ है और इसमें इन्होंने ये कमल का फूल ऐड किया हुआ है, ये फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए आप वो कह रहे हैं कि इसको ऑल हेयर टाइप्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑयल को भी मैंने ऑलमोस्ट 1 month यूज किया है लेकिन मैं इसके बारे में यही कहूंगी कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे इससे फायदा हुआ है। मुझे इन दो प्रोडक्ट से तो बहुत फायदा हुआ है और इन्होंने मेरा हेयर फॉल कंट्रोल किया है। आप उसमें हेयर कलर यूज कर रहे हैं, डाई यूज कर रहे हैं तो ये आपके कलर को भी रिटेन करता है ये शैम्पू। तो आपके बाल जो है वो केमिकल ट्रीटेड हैं, आप कलर यूज कर रहे हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, आपके बाल डैमेज हैं, देन यू शुड सल्फेट फ्री शैम्पू तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हेयर फॉल भी कम होगा और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं ट्रूली कोमल की। इसमें वो सभी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो हम बचपन से अपने बड़ों से सुनते आए हैं। इसमें आमला, रीठा, सिकाकाई, ऑर्गन ऑयल, इन सब के बहुत इफेक्टिव बेनिफिट्स हैं और ये शैम्पू ना सिर्फ हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है बट ऑल्सो ये रिपेयर करेगा हमारे हेयर फॉलिकल को फॉर लॉन्गर, फॉर स्ट्रॉन्गर एंड ब्यूटीफुल हेयर।
सो आई एम वेरी प्लीज्ड विद दिस प्रोडक्ट्स. मुझे ये बहुत अच्छा लगा है ट्रूली कॉमल का ये प्रोडक्ट, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे इससे मिलेंगे और ये वाकई आपका हेयर फॉल रोकेगा. मेरी और ये ट्रूली कॉमल का जो कंडीशनर है, दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स. कंडीशनर आपके बालों को आपका जो हेयर डैमेज है उसको रिवर्स बैक करेगा और आपके बाल इसके यूज के बाद शाइनी हो जाएंगे, वॉल्यूमिनाइज हो जाएंगे, बाउंसी हो जाते हैं आपके बाल, सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं, आप फिंगर काम कर सकते हैं. ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं दोनों और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है. यू शुड ट्राई इट, यू शुड बाय इट. आई एम वेरी प्लीज विद दिस प्रोडक्ट्स. अच्छा, इस हेयर फॉल के बारे में मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं हुई और आई डोंट थिंक सो कि मुझे इससे इतने अच्छे रिजल्ट्स और बेनिफिट्स मिले हैं. सो मैं इसको हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी. तो अगर आप कोई हेयर ऑयल बनाना चाहते हैं, आप हेयर फॉल के लिए या हेयर प्रॉब्लम्स के लिए कोई ऑयल चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में मौजूद है. बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हेयर ऑयल मेरे चैनल पे मौजूद है. आप वो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं. सो आप इसको जरूर बाय कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा. ये वीडियो अच्छी लगी है, रिव्यू अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मुझे दुआ में याद रखिएगा. की स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.